नहीं नहीं सब आगे भागेंगे फिर रेमो सर लुकियर रेमो सर अरे पीछे ही ना रुको रुको कोई मत जाओगे आगे लाइट लाइट बंद करना है ये लाइट है ना अपने पास अरे ऊपर वाली लाइट चल रही है इससे बेस्ट लाइट कोई नहीं है सब लोग एक साथ घुस जा रहे हैं खड़े रात बिगाड़ दिया यार मेरे ये तो बीच में कुछ कुछ भाई थोड़ा साइड हो जाओ ना भाई पीछे आ जाओ ना थोड़ा साइड हो जाओ हाँ आप अचानक के बीच में आ गए क्या बात है भाई और घर वापसी आ गए क्या बात है अच्छा लग रहा है कि ये लोग आए ये लोग रेमो कहना चाहता है कि मैं उनको मिस कर रहा हूँ लेकिन मोनी और मैं बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं क्या कहने वाले हो बताओ बताओ एक्चुअली ये तो है ही अच्छे दोनों की कोनी रेडी है एकदम ज्यादा कुछ क्या बोलने वाले हो बताओ बताओ बट ये लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग का इशू है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग है बट ये घर इनका ही है ये जब भी जाना चाहेंगे आना जब भी चाहेंगे जाना उनके ऊपर है वो फ्री होंगे तो आ जाएंगे नहीं होते तो चले जाएंगे लेकिन अभी फ़िलहाल डोर हमने संभाल ली है मोनी और सोनाली के साथ तो मज़ा आ रहा है बच्चे कमाल हैं एंड होली है सो हैप्पी होली सर 12 साल बाद वापसी हो गई क्या कुछ कहना चाहोगे क्या कुछ धमाका हुआ क्या कुछ मस्ती हुई
बहुत सैफ यू नो हम दोस्त बन चुके हैं अभी और बहुत गहरे दोस्त बन चुके हैं और एक बॉन्डिंग जो है हमारी हमारी हम तीनों के साथ तो वैसा शुरुआत ऐसा नहीं हुआ था, पहले हम झगड़ते थे ये मेरा खाना है तूने कैसे किया बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लेकिन एक टाइम पे हम लोग दोस्त वो जैसे शो खत्म हो जाता था फिर उसी दिन उसी रात को एपिसोड सब सब कुछ भूल के गले मिल के सब गिले शिकवे दूर दैट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप हमारा बॉन्ड था एंड आई एम सो हैप्पी कि यू नो ये जो ये शो है ये हम ये शो ने हमें बनाया है जहाँ का भी जाते हैं कितने भी शोज हम करते हैं हम सब बहुत सारे शोज कर चुके हैं डीआईडी के बाद लेकिन हम जाने जाते हैं सिर्फ डीआईडी के साथ अब भी एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि ये हमारे लिए घर है घर की तरह है। मैम आप कुछ कहना चाहोगे क्या कुछ कोई मोमेंट ऐसा मेमोरीज जो आप फिर से लाइक मेमोरीज हमारे लिए हम तीनों इसी मंच पर खड़े हैं जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी इससे ज़्यादा मेमोरेबल और क्या होगा जय यहाँ पे है वी आर मीटिंग हिम ऑन दिस स्टेज आफ्टर सो मेनी ईयर्स लेकिन ऑल सेड एंड डन ये सब देखने के बाद आज मुझे लग रहा है कि द शो इज़ इन वेरी केपेबल हैंड्स सोनाली मैम मोनी इज़ हियर एंड दे आर गोइंग टू डू अ फैबुलस जॉब दे डोंट नीड अस वी विल जस्ट कम एंड गो क्योंकि ये हमारा घर है हम हेलो हाय करने आएंगे बट दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब दे गॉट ग्रेट किड्स ये जो नई पीढ़ी है कुछ और ही लेवल की है यार और ही लेवल की है एंड शुक्र है हम निकल गए कर रहे हैं हम निकल गए नहीं दैट हम जब वापस मैंने इन तीनों को देखा था मुझे तो यू नो हमारा फर्स्ट डे याद आ रहा था बिकॉज हमने वो डांस इंडिया डांस का टाइटल ट्रैक है उस पे जब परफॉर्म कर रहे थे मैं तो बहुत इमोशनल हो गया था बिकॉज आई हैव नेवर सीन जय इमोशनल इन सो मेनी इयर्स लाइक नहीं होता हूं यार इतनी आसानी से बट यू नो मेरे लिए वो था कि यार ये तो मेरे लिए एक यू नो डेजा वू मोमेंट मैं देख रहा हूँ जहाँ पे वापस मैं वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ जहाँ पर ये तीनों एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं एंड टू बी रियली फ्रैंक मैं आपको बता दूँ दैट इनको एक साथ लाना कोई रियलिटी शो में इज एज डिफिकल्ट एज गेटिंग शाहरुख खान सलमान खान एंड आमिर खान इन अ मूवी सो इनका एक साथ होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए एंड आई एम सो हैप्पी दैट टेरेंस एंड गीता यू नो हमारे ग्रैंड प्रीमियर पे आए इतना मज़ा आ रहा है एंड यू नो वी हैड अ ग्रेट टाइम वी रियली एंजॉयड इट Moni ma'am, this will be your first Holi after marriage and first Holi with DID. So this Holi is very special for you. What do you want to say about this? ये होली बहुत स्पेशल है तो मैं मॉर्निंग में एक छोटी सी होली मना के अपने हस्बैंड के साथ काम पे चली जाऊँगी अनफॉर्चुनेटली बट दैट्स ओके क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है आई थिंक कंपेनियनशिप और काम को हमेशा प्रायोरिटाइज करना ही चाहिए कब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तो कल का एक दिन ऐसा है जहाँ मैं छुट्टी नहीं ले पाई अनफॉर्चुनेटली सो बट आई इट्स अ गुड थिंग दैट आई गेट टू सेलिब्रेट विद हिम इन द मॉर्निंग लास्टली आप सभी हमारे दर्शकों को एक हैप्पी होली विश करें कौन से कैमरा में सारे सब अपने कैमरा पकड़ लेते सबके अलग अलग आ जाएंगे जेनेरिक बोल आप सब दर्शकों को हमारी और डीआईडी लिटिल मास्टर्स की तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हैप्पी हैप्पी होली एंड स्टे सेफ थैंक यू सो मच आप मुझे बोल दीजिएगा सूर्या नहीं हाँ चलो एक्सक्यूज मी आप तीनों आ जाइए ना थोड़ा मोबाइल थोड़ा मेरे बाकी के जो दो बच गए थे वो भी आ गए हैं तो बहुत मजा आ रहा है प्यार का रंग आपको सब इसी मंच पर दिखेगा लेकिन क्या बातें हुई जब आपको गाए मतलब यू नो फिर वो बहुत सारी चीज़ें याद आई होगी है ना वो बात नहीं वाकई में हमको हमारे स्ट्रगल के दिन याद आए जब हम आए थे यहाँ पे और हमें नहीं पता था एंड हमने कैसे इस जर्नी को सीखा है कैसे इसको तय किया है और जब DID का ट्रैक प्ले हुआ आई थिंक ऑल ऑफ अस गॉट वेरी बहुत सालों के बाद वो ट्रैक सुना एंड something about that track yeah. there is something about that track so yeah it was a good day bharat ne mar diya bas aa gaye aur you know ek
एक बॉन्डिंग जो हम शेयर करते हैं एंड वो शायद बहुत लोगों को कम पता है कि जब हम शो में थे तब हम एक दूसरे के साथ एक बहुत अलग तरीके से रहते थे और जब डीआईडी से शो की जब भी जहाँ कहीं पर हम जाते हैं मतलब आज फंस गए हैं वो रेमो जी की मतलब गहना किसके साइड है किसके साथ बैलेंस कर रहा है आज मतलब कैसा रहा नहीं आप ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है एक दूसरे को इनफैक्ट जब मैंने चलिए बस आपके साथ बच्चों के हैं और हमारा टाइम खत्म।